जीके 24x7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलो 15 और 16 सितंबर का ज़ंस्कर लद्दाख फेस्टिवल जो है यहाँ पे होने जा रहा है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़ंस्कर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कैसे तैयारी चल रही है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज आके यहाँ पे भरपूर ज़ोर से यहाँ पे जो है तैयारी चल रहा है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बोलते चलो कि यहाँ पे ज़ंस्कर के कल्चर को ख्याल रखिए। ज़ंस्कर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोगों को ज़ंस्कर के हर कल्चर का जो है यहाँ पे, एक जैसे ढोकसा हो, यहाँ के शादी का रीति रिवाज हो, वो सब आप लोगों को यहाँ के ज़ंस्कर के इस फेस्टिवल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से ये अपील है कि यहाँ ज़ंस्कर के फेस्टिवल में इस साल ज़रूर आए और इस फेस्टिवल का आनंद ले, मज़ा ले। तो दोस्तों, ज़ंस्कर की फेस्टिवल को लेके कल्चर एकेडमीज़ की तरफ से, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की कल्चर एकेडमीज़ की तरफ से कैसे तैयारी चल रहा है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ाए का छवा रिगजिन साहब, कल्चर प्रोग्राम का इंचार्ज है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कल्चर को ले कैसे तैयारी जो चल रही है, कि ज़ंस्कर की इस साल की फेस्टिवल को लेके कल्चर प्रोग्राम जो है यहाँ पे किस तरह का कल्चर हमारे टूरिस्ट हो या ज़ंस्कर की फेस्टिवल देखने वालों को कैसा कल्चर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर, सबों को जुले मेरी तरफ से, मैं लद्दाख कल्चर एकेडमी कारगिल के यहाँ के प्रोग्राम इंचार्ज हूँ। तो यहाँ पे हमने ज़ंस्कर टू डेज से मेगा इवेंट जो फेस्टिवल मनाया गया है, जो हाई लेवल पे मनाया जा रहा है। तो इसमें हमने ऐसा सोच के बनाया है कि यहाँ जो पुराने कल्चर है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, पुराने गीत है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, ड्रेस, वेशभूषा और इवन कि यहाँ के खान पान को भी जो प्रिजर्व रखने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये इवेंट ऐसा एक इवेंट बनाया है कि बिल्कुल ही एक्साइटमेंट होगा कि सारे जो टूरिस्ट भी बहुत है ज़ंस्कर में, फिर बहुत से लोगों में जो उत्साह है कि ज़ंस्कर फेस्टिवल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अभी इनका जो स्टेज वगैरह बनाने का ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें हमने एक तो ढोकसा रखा है, ढोकसा के बारे में क्या क्या जानकारी है उनके बारे में रखा है। दूसरा जो है याक और हॉर्स जो है ज़ंस्कर दुनिया में सबसे मशहूर है। तो ज़ंस्कर के घोड़ा और मार और छुरपे यानी बटर, ज़ंस्कर के बटर बहुत मशहूर है, इनको डिस्प्ले करने के लिए हमने एक सेक्शन रखा है। और दूसरा सेक्शन रखा है कि मैरिज सेरेमनी कैसा होता है ज़ंस्कर में, उसके बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगे। इवन कि और यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीमें हैं, बैंक की तरफ से क्या स्कीमें हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से क्या स्कीम है, फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम, जो आर्चरी डिपार्टमेंट या स्पोर्ट डिपार्टमेंट, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट मिल के ये बना रहे हैं। तो इन हमारे कल्चर के प्रोग्राम में ऐसा है कि यहाँ से मनाली से हम लोग को 38 आर्टिस्ट बुलाया गया है, डिफरेंट लाहौल स्पीति से बुलाया गया है और लद्दाख से भी बुलाए गए हैं ले से। बाकी यहाँ के ज़ंस्कर से हमने 400 के करीब आर्टिस्ट बुलाए हैं, डिफरेंट गांव की तरफ से डिफरेंट सरपंच को हमने इन्वॉल्व किया। इवन कि हमने लुंगडाक साइड से भी बुलाया है और शून शादे से भी हमने बुलाया है, रंगदुम से भी बुलाया है। तो इनमें टोटल आर्टिस्ट जो है 450 के करीब हो रहे हैं। तो रिजिन साहब, आप ये बताएं कि इस साल जो है ज़ंस्कर फेस्टिवल में कितना रौनक आने वाले है, ये मैसेज के तौर पर आप हमारे आवाम को क्या बताना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, सब दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ज़ंस्कर के ये दो दिन में के फेस्टिवल में सब आइए और ज़ंस्कर को ऐसा खूबसूरत ज़ंस्कर को देखने का आपको मौका मिल रहा है। हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिन्हें भी यहाँ के ज़ंस्कर के सिंगर है, बर्डिंग सिंगर है, जो मशहूर सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। तो आप लोगों को एक ऐसा डिफरेंट कल्चर को देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि दो दिन के कल्चर प्रोग्राम में, ज़ंस्कर फेस्टिवल में सब आइए और अपने एंजॉयमेंट ले लीजिए।